टॉपिक है उसके बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्या है एक बार और। क्वेश्चन है हमारा द नंबर ऑफ ट्राइंगल। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, तो ध्यान से देखें और इसको सॉल्व करें। द नंबर ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टिसेज आर, द नंबर ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टिसेज, द नंबर ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टिसेज, द नंबर ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टिसेज आर द वर्टिसेज ऑफ एन ऑक्टागन बट नन ऑफ हुज साइड्स, बट नन ऑफ हुज साइड्स, बट नन ऑफ हुज साइड्स हैपन टू कम फ्रॉम द साइड्स ऑफ द ऑक्टागन। From the sides of the octagon is, option भी given है यहाँ पर, 24, 52, 48 और 16। सबसे पहले तो question हमें समझ में आना चाहिए, question कहना क्या चाहता है। question कह रहा है कि number of triangle कितने बनेंगे, नंबर ऑफ ट्राइंगल बताने हैं जो कि ऑक्टागन के वर्टिसेस से लेने हैं, लेकिन कोई भी उस ट्राइंगल की कोई भी साइड जो है वो ऑक्टागन की साइड नहीं होनी चाहिए, चाहे वो एक साइड से हो या दो साइड से हो। जैसे अगर मैं ऑक्टागन यहाँ पे आपको बना के दिखाऊँ तो आपको आइडिया होगा कि किस टाइप से ये क्वेश्चन कहना चाहता है। ये हमारे पास एक ऑक्टागन हो गया 8 साइड का, ए बी सी डी ई एफ जी और ये एच। अब वो कह रहा है कि नंबर ऑफ ट्राइंगल बताने हैं। जैसे मान लिया किसी ने बोला कि भाई ये ट्राइंगल बन गया ए बी सी, तो क्या ये ट्राइंगल जब बना है तो इसमें दो साइड कॉमन आ रही है, जबकि साफ साफ लिखा हुआ है कि नन ऑफ हुज साइड्स, ये लिखा हुआ है ना, नन ऑफ हुज साइड्स हैपन टू कम फ्रॉम द साइड्स ऑफ ऑक्टागन। हाँ जी बताइए। 16 ये जो टू साइड से बनने, अच्छा आंसर फाइनल आंसर 16 है। यस सर। ओके ओके सही है, गुड। तो यहाँ पर हमारे पास जो बनने वाला है वो क्या होगा, एक ट्रायंगल एबीसी बनेगा जो टू साइड से बन रहा है, एक इसी तरीके से बीसीडी बनेगा, ये भी देखो टू साइड से बन रहा है, तो ये टू साइड से बनने वाले ट्रायंगल है, ये नहीं चाहिए, इसमें टू साइड इंक्लूड हो रही वो हमें नहीं चाहिए। और एक ट्रायंगल ऐसा होगा जिसमें एक ही साइड इंक्लूड होगी, जैसे मैं अगर ये ट्रायंगल बनाना चाहूँ किसी दूसरे कलर से, ये जैसे मैंने ले लिया ए जी और एफ, ये जो ए जी एफ लिया हुआ है, या और भी ले सकते हैं ए एफ ई, ये ले सकते हैं, तो ये जो है ये बहुत सारे ट्रायंगल ऐसे बनने वाले हैं जो वन साइड से बनेंगे, ये भी हमें नहीं लेने हैं, हमें वो लेने हैं जिसमें ऑक्टागन की साइड्स इंक्लूडेड ना हो, वो ट्रायंगल कितने बनेंगे वो हमसे पूछे गए हैं। टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले टोटल नंबर ऑफ बाइजेक्शन रूल का यूज़ करना पड़ेगा, पहले टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल निकालने पड़ेंगे और उसके बाद फिर इसको माइनस करना पड़ेगा, बनेगा रिक्वायर्ड। जैसे किसी को समझ में नहीं आ रहा कि भाई कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, तो ये वाला ट्रायंगल अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये ए हो गया, ये डी हो गया, अगर ये डी है और ये एफ है, इस टाइप के कितने ट्रायंगल बनेंगे ये पूछा जा रहा है। ए डी एफ में कोई भी साइड का यूज़ नहीं किया गया। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे ट्रायंगल बनेंगे, उनके बारे में बात हो रही कि ये कौन से, तो ये जो ग्रीन कलर वाला है ये हमारा रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड ट्रायंगल यही है, तो ये हमें चाहिए। तो हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल से जो टू साइड वाले हैं वो माइनस कर देंगे और जो वन साइड वाले हैं वो माइनस कर देंगे। तो देख लेते हैं कैसे माइनस होगा, फिर इसको एक रिजल्ट एन के टर्म में भी बना लेंगे, क्योंकि हो सकता है कि वो आगे एन के टर्म में पूछे तो फिर हमें आइडिया होना चाहिए। तो टोटल
जो हमारा रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ट्रायंगल होगा, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ट्रायंगल वो क्या बनेगा, टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल माइनस नंबर ऑफ ट्रायंगल हुज टू साइड्स आर कॉमन, नंबर ऑफ ट्रायंगल हैविंग टू साइड कॉमन माइनस नंबर ऑफ ट्रायंगल हैविंग वन साइड कॉमन। ऐसे ट्रायंगल जिसकी टू साइड कॉमन है और ऐसे ट्रायंगल जिसकी वन साइड कॉमन है। तो अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर एक बार फिर से मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ तो तुम्हें आइडिया हो जाएगा, फिर आंसर तो हमारा आ ही जाएगा और यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं कौन कौन से बन रहे हैं हमारे। यहाँ पर ये इजी है, एट शेप का जो है ऑक्टागन का जो है वो इजी है, उसको हम दिखा सकते हैं। जैसे हमने यूज़ किया था ब्लैक से यूज़ किया था जिसमें टू साइड कॉमन है, तो टू साइड कॉमन वाला पहले देखते हैं कौन कौन सा बनने वाला है। ए बी सी डी ई एफ जी और एच, तो ए बी सी में देखो अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करना चाहूँ तो कुछ इस टाइप से बनेगा। एक बनेगा ए से अगर स्टार्ट किया आपने तो एक ए बी सी बनेगा, एक बी से स्टार्ट करोगे तो बी सी डी बनेगा, एक सी से स्टार्ट करोगे तो जिसमें दो साइड है उनके बारे में बात हो रही है, फिर एक डी से स्टार्ट करोगे, फिर एक ई से स्टार्ट करोगे, ये बन जाएगा, फिर एक एफ से स्टार्ट करेंगे तो ये बन जाएगा, और फिर एक जी से स्टार्ट करेंगे तो ये बन जाएगा, और एक एच से स्टार्ट करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा, एच से स्टार्ट करने पर। एच से जब स्टार्ट करोगे तो ये बन जाएगा, तो ये कितने ट्रायंगल बन गए, एक वर्टेस से स्टार्ट किया तो एक एक बन रहा, तो एक यहाँ से बना, एक यहाँ से बना, एक यहाँ से, इनकी नेमिंग भी कर सकते हैं आप, ए बी सी बी सी डी सी डी, ऐसे करके बहुत सारे ट्रायंगल। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल जिसमें टू साइड वाले हैं वो कितने बनेंगे, टू साइड कॉमन वाले वो बन जाएंगे एट। अब जरा वन साइड वाला कॉमन देखते हैं, वन साइड कॉमन का क्या होगा, वन साइड कॉमन यस, बताओ कैसे करेंगे इसको वन साइड कॉमन वाले के लिए, बताओ। सर वो जॉइन करते हैं, कैसे ज्वाइन करूं, किस टाइप से करूं, कहां से स्टार्ट करूं, ई से एक बार ए को ज्वाइन कीजिए, फिर ए से डी वैसे। तो कैसे, इसमें कितने बन रहे ट्रायंगल साइड में 32। हाँ तो कैसे कैसे कलेक्ट, कैसे के मतलब किस तरीके से काउंट किया, कोई आइडिया दो। सर मतलब तो ऐसे देखा ज्वाइन हो रहे थे सामने। ओके चलो मैं बता, मैंने ज्वाइन करके देखा। ओके वही वही मैं पूछ रहा हूँ, ज्वाइन करके ही कैसे बन रहा है वही पूछ रहा हूँ। तो देखो चलो मैं बता रहा हूँ, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे हमने बी से लिया, पहले हम बी से स्टार्ट करते हैं, ऐसे समझेंगे यहाँ पर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी एक इससे रिलेटेड अभी एक और क्वेश्चन मैं दूंगा वो भी बिल्कुल सेम ऐसा ही है। पहले जरा एक बार समझते हैं कि ये कैसे ज्वाइन हुआ है और किस टाइप से बनेगा। जैसे बी से स्टार्ट कर रहे हैं तो क्या हम सी को ले सकते हैं, क्या हम सी को ले सकते हैं, नहीं। क्या हम ए को ले सकते हैं, नहीं ले सकते। क्यों, क्योंकि जैसे हमने सी को लिया तो ए बी सी और डी लेंगे तो फिर ये एक हमें चाहिए कि एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी वन साइड केवल बने उसको हमें लेना है, यही तो कह रहा है ना, दो साइड वाला नहीं चाहिए। तो जरा बी से बनने वाले पहले देख लेते हैं कितने ट्रायंगल बन रहे हैं। अगर हमने ये बी वर्टेक्स कंसीडर किया, इसको हमने कंसीडर किया हुआ है, तो देखते हैं बी से बनने वाला बी सी डी तो नहीं हो सकता है, तो सी को छोड़ना पड़ेगा हमको, तो इसको यहाँ से ज्वाइन करते हैं और इसको यहाँ से ज्वाइन करते हैं। तो क्या ये जो ट्रायंगल बना है बी डी ई, ये जो BDE ट्रायंगल बना है
क्या इसमें एक ही साइड है ना कॉमन, तो बी डी ई हो सकता है, फिर बी से क्या ये वाला भी हो सकता है, बी ई एफ ये भी हो सकता है जिसमें वन साइड है, क्या ये बी से ये भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बी एफ जी, क्या ये भी हो सकता है क्या, बी जी एच, बी जी और एच, अब क्या इसके नीचे वाला क्या एच ए बी हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि अगर ये ले लिया तो दो साइड कॉमन आ जाएगा, इसका मतलब एक वर्टेक्स से जब ले रहे हैं तो हमारे पास कितने बन रहे हैं, फोर ट्रायंगल्स बन रहे हैं, जब बी को कंसीडर किया तो फोर ट्रायंगल बन रहे हैं, सिमिलरली जब सी को आप कंसीडर करेंगे तो कितने बनेंगे, उससे भी फोर बनेंगे, फिर डी को कंसीडर करोगे उससे भी फोर बनेंगे, आप ये सारे के सारे नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, देख सकते हैं, कम से कम एक बार तो एटलीस्ट ट्राई करके देख ही सकते हैं, तो अगर एट वर्टिसेज हैं, सिमिलरली अगर हमारे पास एट वर्टिसेज हैं तो एट वर्टिसेज से टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने बन जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल वो बन जाएंगे 8 × 4 = 32। तो अब यहाँ पर दो साइड कॉमन और एक साइड कॉमन वाले ट्रायंगल के को हम माइनस कर देते हैं तो हमारा जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज है वो हमारा आंसर आ जाएगा, तो ये यहाँ पर फिर से इसको नोट करते हैं, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू, तो ये हो गया टोटल होंगे 8, 8 में से 3 को ज्वाइन करने से बनता है वर्टेक्स, तो 8C3, एक 8 में से 3 को ज्वाइन करने से ट्रायंगल बनता है, तो 8C3 माइनस नंबर ऑफ ट्रायंगल हैविंग टू साइड कॉमन, तो दो साइड कॉमन वाले कितने ट्रायंगल है 8, तो जिसमें एक साइड कॉमन है वो कितने ट्रायंगल है 32, तो इसी को बस केवल सॉल्व कर लेना है, 8 × 7 × 6/6 माइनस 8 − 32, ये 6 से 6 कट हो जाएगा, 56 − 40 यानी कि आंसर 16 हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि इसको जनरलाइज करके कौन बताएगा मुझे, कि अगर मैं इसको जनरलाइज करना चाहूँ कि जैसे 8 है तो हमने काउंट कर लिया है, अगर हमारे पास कोई कह देता कि भाई एन साइड वाला है तो फिर हम कैसे करते, तो इसको मैं चाहता हूँ कि आप जनरलाइज करें, थोड़ा सा सोचें कि किस तरीके से इसको जनरलाइज करके मैं करूँ कि जिससे हमारा जो एन के लिए रिजल्ट है वो भी बन जाए, एन के लिए कैसे बनेगा, जैसे नंबर ऑफ साइड जो है वो एन है, थोड़ा सा सोचो, आइडिया हो जाएगा, थोड़ा सोचो। हेलो सर, हाँ जी बताइए। सर NC3 − 5N। NC3 − 5N, नहीं गड़बड़ है, देखा है तुमने, बाकियों को चेक करके देखो, तुमने क्या किया 40 को ऐड कर दिया और फिर 8 5 का कर दिया ना, 8 के लिए अलग से भी जो वन साइड कॉमन होंगी वो सारी तो, और 18 पूरी होगी ना। एक बार आप वेरीफाई करके देखो, 6 के लिए करके देखो, ओके उसके बाद ही जवाब दो, एक पहले 6 के लिए करके देखो, 7 के लिए तब वेरीफाई हो पाएगा, ऐसे नहीं कि क्या वो सब उसमें भी कंसीडर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं या कुछ और कर सकते हैं। चलो मैं बताता हूँ कैसे करेंगे, एक बार आप समझें इसको भी ध्यान से, सबसे पहली बात तो ये आइडिया है कि अगर n होगा तो यहाँ पर NC3 आ जाएगा, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ट्रायंगल का डायरेक्ट लिखेंगे हम लोग, तो इम्पॉर्टेंट करके लिख लेते हैं, इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अगर हमारे पास n साइड की पॉलीगन है, पॉलीगन ऑफ n साइड, तो उससे अगर यही सेम कॉन्सेप्ट दिया हुआ है तो फिर हम रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ट्रायंगल का क्या फॉर्मूला लिखेंगे, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू, पहली बात तो आ जाएगा, सॉरी 8 नहीं,
यहाँ पर क्या हो जाएगा Nc3, तो यहाँ लिख लेते हैं Nc3 माइनस, ये जो है ये यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो ये 8 लिखा हुआ है, तो हर एक जैसे एक वर्टेक्स को लिया है, एक वर्टेक्स से एक मिल रहा है, दूसरे वर्टेक्स से भी एक मिल रहा है, तीसरे वर्टेक्स से भी एक मिल रहा है, तो इसका मतलब एन वर्टेक्स होंगी उसमें से वन को ले लिया, एन वर्टेक्स में एक को ले लिया, तो Nc1 यानी 8c1 की वैल्यू 8 हो गई। अब यहाँ पर प्रॉब्लम है, यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है ये देखते हैं, ये जो है वो यहाँ पर 4 और 8 लिया हुआ है, तो ऐसे समझते हैं, जरा समझना यहाँ पर मेरी बात ध्यान से सुनना तो आइडिया हो जाएगा। जैसे मान लिया हमने कोई साइड जो है वो ये वाली पिक कर ली, कोई भी एक साइड ले ली, क्योंकि इधर हम यूज़ कर चुके हैं, तो चलो मैं ये साइड ले लेता हूँ, ये साइड हमने पिक की हुई है, ठीक है EF, तो अगर ये साइड हमने पिक की हुई है तो क्या मैं जी को कंसीडर कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, क्या मैं जी को कंसीडर कर सकता हूँ, क्या मैं डी को कंसीडर कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि अगर मैंने साइड EF ली हुई है तो EF लिया हुआ है तो फिर GF नहीं आएगी साथ में, क्योंकि हमें वन साइड चाहिए, और एक FD भी नहीं आएगी, क्योंकि अगर हमने EF लिया है तो EFD भी ट्रायंगल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर EFD ट्रायंगल हो गया, सपोज करो अगर EFD ट्रायंगल हो गया तो फिर यहाँ पर दो साइड कॉमन आ जाएगी, हमें एक ही साइड, कोई भी एक साइड ले लो, आप AB पिक कर लो, चलो आपको इसमें नहीं दिक्कत है, तो अच्छा पहले चलो EF की बात कर ही लेते हैं, जब हमने EF पिक किया हुआ है, ये हमने EF पिक किया तो मैं G और D नहीं ले सकता हूँ, तो कितने वर्टेक्स हमारे पास बचे, ये बचा एक, ये ले सकता हूँ, ये ले सकता हूँ, ये ले सकता हूँ, ये ले सकता हूँ, यही चार तो ले सकता हूँ ना, तो इसका मतलब इसीलिए अगर हमने EF लिया है तो D और G को नहीं ले सकते, तो हमारे पास अब कितने हो गए टोटल, हमारे पास ये जो ब्लू शेडेड है, सॉरी ये जो येलो शेडेड है, ये 4 हो गया हमारे पास, तो ये 4 वर्टेक्स में कोई भी ले सकते हैं, टोटल हमारे पास एन थे, उसमें से 4 को नहीं ले सकते, तो रिमेनिंग कितने बचे हैं हमारे पास, टोटल हमारे पास 4 थे, उनमें से 4 को, टोटल हमारे पास 8 थे, उसमें से हमने 4 ले सकते हैं और 4 नहीं ले सकते हैं, तो जो नहीं ले सकते उसको हटा देते हैं, तो हमारे पास हो गया n-4, तो n-4 में से एक एक को लेना पड़ेगा, तो जो हमारा यहाँ पर फॉर्मूला बनने वाला है वो बनेगा पहले 8 के लिए, तो 8 के लिए बनेगा Nc1, और फिर n-4 में से भी एक लेना है, तो n-4 × C1, अगर मान लिया मैंने ये बोला कि भाई चलो ठीक है आपने ये कंसीडर नहीं किया, आपने इस AB को पिक कर लिया, इस AB को अगर आपने पिक कर लिया तो AB ले लिया, तो क्या आप C और D ले सकते हैं क्या, ना तो आप ये ले सकते हैं और ना ही आप ये ले सकते हैं, तो अब हमारे पास जो बचे होंगे वो कितने बचे होंगे, या तो G बचा होगा, या तो F, या तो E और या तो D, इन्हीं से बनने वाला होगा, तो अगर AB पिक कर रहे हो तब भी 4 मिल रहे हैं, कोई भी एक साइड पिक कर लो, जरूरी नहीं कि AB पिक करो, कोई BC पिक करेगा, कोई CD करेगा, तो उसमें से हमारे क्या हो जाएंगे, n-4 में से 1 आ जाएगा, तो अब मेरे ख्याल से इसका फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा कि Nc3 हो जाएगा माइनस Nc1, और Nc1 में क्या हो जाएगा n-4C1, तो ये रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला बन जाएगा, तो इसको हम बॉक्स के अंदर बंद कर लेते हैं। ओके, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन, जैसे ये तो हो गया, उसके लिए अगर हमारे पास इस टाइप का क्वेश्चन आता है, एक और लिख लेते हैं, और इसको भी आप जरा देखें और बताएं इसका क्या आंसर होगा। क्वेश्चन है 20 पर्सन आर सिटिंग इन अ पर्टिकुलर अरेंजमेंट, ट्वेंटी पर्सन आर ट्वेंटी पर्सन आर सिटिंग इन अ पर्टिकुलर अरेंजमेंट ऑफ सर्कुलर राउंड टेबल, पर्टिकुलर अरेंजमेंट अराउंड अ पर्टिकुलर अरेंजमेंट अराउंड
सर्कुलर टेबल, थ्री पर्सन आर टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम फॉर लीडर्स, थ्री पर्सन आर टू बी सिलेक्टेड, आर टू बी सिलेक्टेड फॉर लीडर, द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग थ्री पर्सन, द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग थ्री पर्सन सो दैट नो टू वर सिटिंग, सो दैट नो टू वर सेटिंग, नो टू वर सिटिंग adjacent to each other. No two were sitting adjacent to each other. Option है हमारे पास, A option है 800, B option है 900, C है 17 C3 और D है none of these. सोचो जरा सोचो और बताओ इसका आंसर क्या होगा. तो चाहे वो पर्टिकुलर राउंड टेबल हो, सर्कुलर टेबल हो, या जो अभी हमने पीछे वाला क्वेश्चन किया था, एक क्या बन गया था, पॉलीगन बन गया था, बात लगभग वही है. इसमें कुछ सर्कुलर टेबल का कोई वो नहीं है कॉन्सेप्ट. उसने बोला है कि थ्री पर्सन को सेलेक्ट करना, उसमें क्या था, एक ट्रायंगल को बनाना था. तो बिल्कुल सेम वही डिट्टो वही सेम क्वेश्चन है कि थ्री पर्सन को सेलेक्ट करना है, तो 20 में से C3 को सेलेक्ट करेंगे. ऊपर ये फार्मूला हमारे पास अभी लिखा हुआ है. फिर उसमें से क्या माइनस कर देंगे कि कोई दो कॉमन ना हो और कोई एक कॉमन ना हो. जैसे उसने बोला ना, कोई एक साइड नहीं होनी चाहिए उनमें से और कोई दो साइड नहीं होनी चाहिए. एडजेसेंट का मतलब यही है, नो टू वर सिटिंग एडजेसेंट का मतलब कोई भी दो एक साथ नहीं होने चाहिए. तो इसका मतलब वही है, सेम सिम बिल्कुल वही ऊपर वाला क्वेश्चन है. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज इक्वल टू. तो इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ध्यान रखेंगे. 20C3 माइनस 20C1 माइनस 20C1 इंटू 20 माइनस 4 C1 यानी कि 16C1. तो बस इसी को सॉल्व कर लीजिए आप, आंसर आ जाएगा. आंसर इसका है 800, चेक कर लेंगे और सॉल्व कर लेंगे. तो ये सिर्फ बताने का पर्पस यही था कि इस टाइप के भी क्वेश्चन मिल सकते हैं आपको. तो चलिए ये तो हो गया, अब आगे बढ़ते हैं. एक आज हम पढ़ेंगे डिवीजन और डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में. तो नेक्स्ट हेडिंग लिख लेते हैं, नोट कर लिया सभी ने. नेक्स्ट हेडिंग लिख लेते हैं, डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट. डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट. ये जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट दिया हुआ है ना, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि अभी इसमें डिफरेंट ऑब्जेक्ट की बात हो रही, बाद में भी आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट की बात भी होगी. आगे चल के आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट की भी बात होगी, तो ये ध्यान रखेंगे. अभी हमारी जो बात हो रही है वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट की बात हो रही है. अभी ये भी क्या है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, उसको डिवाइड करना है और फिर डिस्ट्रीब्यूट भी करना है. दोनों में डिफरेंस क्या है उसके बारे में भी बात करेंगे कि डिवीजन और डिस्ट्रीब्यूशन में क्या फर्क आने वाला है. तो देखो, जैसे एक क्वेश्चन से हम समझते हैं, फिर हम इसको अभी जनरलाइज कर देंगे. पहले एक क्वेश्चन लिखते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं कि डिवीजन और डिस्ट्रीब्यूशन का
क्या डिफरेंस है और कैसे इस टाइप के क्वेश्चन करते हैं। तो एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्वेश्चन से फिर हम उसको जनरलाइज कर देंगे, फिर उसका फॉर्मूला बना देंगे जो हम पूरे चैप्टर में करते आए हैं। हम इसको बिना फॉर्मूले के भी कर सकते हैं। तो पहले हम एक क्वेश्चन लिखते हैं, डिवाइड एंड डिस्ट्रीब्यूट, डिवाइड एंड डिस्ट्रीब्यूट 10 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, 10 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, डिवाइड एंड डिस्ट्रीब्यूट 10 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट बिटवीन टू पर्सन, बिटवीन टू पर्सन इफ वन गेट सिक्स, इफ वन गेट सिक्स एंड अदर गेट फोर ऑब्जेक्ट। एक बार आप इसको सॉल्व करें, सोचें कैसे करेंगे, फिर मैं बताता हूँ। डिवाइड भी करना है और डिस्ट्रीब्यूट भी करना है। 10 डिस्टिंक्ट या डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं, एक को सिक्स मिलने चाहिए और दूसरे को फोर मिलने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस टाइप से समझेंगे। यहाँ पर देखो कि हमारे पास 10 जो है वो ऑब्जेक्ट है, 10 डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, उसमें से एक को सिक्स देना है और दूसरे को ऑटोमेटिकली फोर मिल जाएंगे। तो एक को सिक्स दे दिया और एक को फोर दे दिया। एक ये पर्सन P1 है और एक ये पर्सन P2 है, ठीक है ना। दो पर्सन को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना था और डिवाइड करना था। तो पहले यहाँ पर हम समझते हैं कि इन दोनों का क्या डिफरेंस, दोनों में क्या है। तो जब मैं इसको देखो करूँगा इस टाइप से, तो जब मैं इसको डिवीज़न करूँगा, यहाँ पर इसका जब डिवीज़न करूँगा, तो डिवीज़न में क्या करना है और डिस्ट्रीब्यूशन में क्या फ़र्क है दोनों में, वो समझते हैं। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन, डिवीज़न का मतलब हमें कोई मतलब नहीं है, हमने बस दो पार्ट में उसको डिवाइड कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, मतलब उनमें से किसी को दिया नहीं है। हमने 10 ऑब्जेक्ट को, हमने क्या किया, 10 में से 10 ऑब्जेक्ट थे हमारे पास, उसमें से 6 ऑब्जेक्ट पहले सेलेक्ट कर लिए, तो 10 में से C6 हो गया। अब हमारे पास कितने ऑब्जेक्ट बचे बचे, जब 10 में से 6 हमने सेलेक्ट कर लिए, तो अब हमारे पास 4 बचे। तो 4 में से फिर अब हमें कितने देने पड़ेंगे, 4। तो ये तो ऑटोमेटिकली हो जाता है ना, जब हम एक को सेलेक्ट कर लेते हैं तो दूसरा तो ऑटोमेटिकली ही हो जाता है। तो इसका मतलब हमारा, इसका आंसर क्या हो गया, 10C4। 10C4 का मतलब क्या हुआ, 10 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल। तो देखो यहाँ पर फॉर्मूला क्या बना, जितने भी नंबर हैं वो ऊपर और अपॉन में जिसमें जिसमें डिवाइड करना है वो नीचे के फैक्टोरियल में आ गया ऑटोमेटिकली। अब डिस्ट्रीब्यूशन में क्या फ़र्क है, डिस्ट्रीब्यूशन में डिवीज़न तो हम करेंगे ही करेंगे, 10C6 और 4C4। उसके बाद दो पर्सन है, दो पर्सन के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है। पहले वाले को हम 6 दे सकते हैं, दूसरे को 4 दे सकते हैं, या क्या हम ऐसे नहीं कर सकते कि पहले वाले को 4 दे दे, दूसरे को 6 दे दे। अगर हमने P1 को 6 दिया तो P2 को 4 दे देते हैं, या P2 को 4 दिया है तो P1 को 6 दे सकते हैं। तो इसका मतलब इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कितने फैक्टोरियल से हुआ अरेंज, तो 2 फैक्टोरियल से। तो इसमें 2 फैक्टोरियल का और मल्टीप्लाई हमें करना पड़ता है। तो क्या आंसर हो जाएगा, 10 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल इंटू में 2 फैक्टोरियल। अगर दो पर्सन है तो 2 फैक्टोरियल, 3 पर्सन होंगे तो 3 फैक्टोरियल। तो अरेंज भी करना होगा, वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट अमंग 2 पर्सन। यहाँ पर लिख लेते हैं कि 2 फैक्टोरियल का क्या मतलब है। इस 2 फैक्टोरियल का मतलब है वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट अमंग 2 पर्सन। तो सबसे इजी कॉन्सेप्ट है ये कि जब डिवाइड करना हो तो 2 फैक्टोरियल या 3 फैक्टोरियल जितने पार्ट्स में करना है उससे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, और जब डिस्ट्रीब्यूट करना होगा तो उनके फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसी को हम जनरलाइज कर लेते हैं। तो लिख लेते हैं जनरलाइज रिजल्ट,
और उसमें केस वन हो जाएगा, जनरलाइज रिजल्ट में केस वन। दो तरह के केस होंगे, अभी हमने क्या किया है सबको अलग अलग दिया हुआ है। कई बार ऐसा होगा कि दोनों को सेम सेम दे देंगे, जैसे 10th है तो पहले को भी 5 दे दिया, दूसरे को भी 5 दे दिया, तो उसमें थोड़ी सी कहानी चेंज हो जाएगी। तो केस फर्स्ट क्या है कि जब हम डिवाइड कर रहे हैं तब के लिए और डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तब के लिए, तो लिख लेते हैं यहाँ पर। हमारे पास कितने ऑब्जेक्ट हैं, X1, X2, X3, X4 करके कई सारे ऑब्जेक्ट हैं, और उनको हमें जो है वो बांटना है। तो उसके लिए जनरलाइजेशन कैसे होगा वो देख लेते हैं। इन जनरल X1 प्लस X2 प्लस X3 प्लस अप टू डैश डैश XN, ये हमारे पास थे इनटू एन ग्रुप ऑफ साइज। और साइज क्या होंगे, पहले का साइज X1 है, दूसरे का साइज X2 है, फिर X3 है, XN है, और ये कोई भी आपस में इक्वल नहीं है। अभी मैंने बात की कि दोनों को डिफरेंट डिफरेंट ही देना है, ये अभी कोई भी इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल टू है। देन नंबर ऑफ डिवीजन, अगर हम बात करेंगे नंबर ऑफ डिवीजन, तो नंबर ऑफ डिवीजन का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, सबका फैक्टोरियल जितने भी हैं सारे नंबर हैं, यानी कि 10 ऑब्जेक्ट थे, उसका फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई जितने पार्ट में डिवाइड हो रहा है उनके अलग अलग फैक्टोरियल से डिवाइड कर देते हैं। और नंबर ऑफ डिवीजन के बाद अगर नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की बात होगी, तो नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में क्या कर देंगे, सेम यही सब कुछ चलेगा, जितने भी हैं वो सारे के सारे प्लस का फैक्टोरियल जितने टोटल है उनका डिवाइडेड बाई अलग अलग X1, X2, X3 से लेके XN तक, और उसमें हम n फैक्टोरियल का और मल्टीप्लाई कर देंगे। n फैक्टोरियल का मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, ये बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, डिवाइड करने के साथ साथ डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ तक बात क्लियर है। ठीक है, तो अब जरा मैं क्वेश्चन एक देता हूँ, उसको आप आंसर बताएं और देखें जरा। इसमें डिस्ट्रीब्यूशन अगर 2% के बीच में है तो 2 फैक्टोरियल से, 3% के बीच में है तो 3 फैक्टोरियल से, 4% के बीच में है तो 4 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक है, तो अब जरा देखते हैं, एक क्वेश्चन लिखें और बताएं इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है हमारा, और बहुत इजी है, इसके कॉन्सेप्ट भी बहुत इजी है, डिवाइड 10 ऑब्जेक्ट, डिवाइड 10 ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट जो है वो डिफरेंट है, इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि डिफरेंट के लिए ही ये कॉन्सेप्ट है, इनटू 3 ग्रुप। इफ वन गेट टू ऑब्जेक्ट, 1 पर्सन गेट टू ऑब्जेक्ट, पहले वाले पर्सन को 2 ऑब्जेक्ट मिल रहा है, सेकेंड पर्सन को 3 ऑब्जेक्ट मिल रहा है, और अब बचे कितने हैं, 2 और 3 5 हो गए, और 5 और बच जाएंगे, तो थर्ड वाले पर्सन को क्या मिल रहा है, 5 ऑब्जेक्ट, और इन्हीं को डिवाइड करना है। तो डिवाइड के लिए ऊपर लिखा हुआ है फॉर्मूला कि जितने टोटल हैं उनके फैक्टोरियल ऊपर, डिवाइडेड बाई जितने में डिवाइड करना है उनके फैक्टोरियल को नीचे, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ डिवीजन। ठीक है ना, इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि भाई 10 में से पहले हमने क्या किया, 10 में से 2 को दे दिया, अब बचे हमारे पास कितने, 8, 10 में से जब 2 को दे दिया तो 8 बचे, 8 में से फिर 3 को दे दिया,
आठ बचे थे उसमें से अब तीन को देना था, अब कितने बचे, पांच, उस पांच में से पांच को दे दिया। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो फिर यही, इस पूरे को सॉल्व करने से हमें यही मिलने वाला है, बाकी सब कट हो जाएगा। 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल जितने भी। और अगर यही क्वेश्चन डिवाइड की जगह डिवीजन की जगह डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यहीं पर हम लिख लेते हैं कि नंबर ऑफ, अगर वो डिस्ट्रीब्यूशन हमसे मांगता तो डिस्ट्रीब्यूशन में क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्या करते हैं, जो भी आंसर आया है 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, उसमें जितने भी लोगों में डिवाइड करना है उसके फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो डिवीज़न और डिस्ट्रीब्यूशन में सिर्फ इतना सा ही फ़र्क है। एक फार्मूला और लिख लेते हैं, जब ये दोनों जो है वो सेम कुछ आइडेंटिकल में डिवाइड होंगे तब क्या होगा। जैसे अभी तक हम क्या कर रहे हैं, सबको अलग अलग ही दे रहे हैं, किसी को 2 दे रहे हैं, किसी को 3। अब ऐसा होगा कि किसी को हम 5 दे देंगे, 5 लोगों को 5-5 सेम दे दिया, 6 लोगों को सब कुछ 6 सेम दे दिए, ठीक है, 3 पर्सन है उनको सबको 2-2-2 मिला हुआ है। उस टाइप के अगर अगर हमारे रिपीटिशन अलाउड होने लगेगा, रिपीट ऑब्जेक्ट या रिपीटेशन ग्रुप बनने लगेंगे, तो फिर हम उनको कैसे डिवाइड करेंगे और डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उसके बारे में बात करते हैं। तो लिख लेते हैं केस सेकंड, नेक्स्ट हेडिंग लिख लेते हैं, लेट एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट टू बी डिवाइडेड, एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट टू बी डिवाइडेड, एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट टू बी डिवाइडेड इंटू एन ग्रुप, ऐसे लिख लेते, डिवाइडेड इंटू ग्रुप इन विच के वन ग्रुप हैव ग्रुप साइज एन वन, के वन ग्रुप हैव ग्रुप साइज एन वन, के टू ग्रुप हैव ग्रुप साइज एन टू, सॉरी यहाँ पे एन टू हो जाएगा, के टू ग्रुप जो है उसका ग्रुप साइज क्या लिया हमने, एन टू, के वन जो था उसका ग्रुप साइज एन वन लिया हुआ है, और के टू जो ग्रुप है उसका ग्रुप साइज क्या लिया है, के टू लिया है। अब सिमिलरली करके ऐसे करके डैश डैश जो आर वाला होगा या एन वाला होगा उसका ग्रुप साइज, तो जो के आर है, के आर ग्रुप है उसका ग्रुप साइज जो लिया हुआ है, ग्रुप साइज वो क्या लिया है, एन आर, इस तरीके से हमने लिया है। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डिवीज़न क्या हो जाएंगे, देन नंबर ऑफ डिवीज़न इक्वल टू क्या हो जाएगा, सबका फैक्टोरियल जब सबको करोगे तो ये तो यही आएगा एन फैक्टोरियल, क्योंकि एन को ही डिवाइड कर रहे हैं, के वन का एन वन में मल्टीप्लाई, के टू का एन टू में जब करेंगे और सबको ऐड करेंगे तो यही मिलने वाला है। अब यहाँ पर जो फार्मूला चेंज होगा वो क्या होगा, वो ज़रा ध्यान से देखते हैं। जितने भी एन वन फैक्टो एन वन वाले ग्रुप साइज हैं वो कितनी बार आए होंगे, के वन बार आए होंगे, तो एन वन फैक्टोरियल की पावर क्या हो जाएगी, के वन। जो एन टू फैक्टोरियल है उसकी पावर क्या हो जाएगी, के टू। और जितने भी हैं जो एन आर है फैक्टोरियल उसकी पावर क्या हो जाएगी, के आर, क्योंकि ये के आर टाइम्स तक रिपीट हुआ है। और जितने बार जो रिपीट हुआ है उतने के फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा हमको, मतलब के वन फैक्टोरियल, के टू फैक्टोरियल, के थ्री फैक्टोरियल से लेके के आर फैक्टोरियल, इससे हमको डिवाइड करना पड़ेगा। ये इसका मतलब क्या है, जितने भी ग्रुप साइज सेम है, सेम ग्रुप साइज वाले हैं उनसे हमें डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाई
सेम ग्रुप साइज, जो सेम ग्रुप साइज वाले हैं उनसे डिवाइड करना पड़ेगा। उसके बाद अगर इनमें से भी, अगर इनमें से भी हमारे पास क्या हुआ कि अगर हमें ये तो नंबर ऑफ डिवीजन है, अगर यहीं पे डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो उतने के उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, वो तो खैर बाद की बात है। अभी जरा यहाँ तक देखते हैं, फिर एक क्वेश्चन लिखते हैं। और हाँ, यहाँ पर जो एन है उसका मतलब क्या है, हमने क्या किया, एन का मतलब क्या है कि जो पहला वाला के वन ग्रुप है उसका साइज क्या है, एन वन, तो एन वन इंटू के वन प्लस एन टू इंटू के टू प्लस एन आर इंटू के आर। देखो ये फॉर्मूला समझ में आए या ना आए, अभी हम एक क्वेश्चन करते हैं तो ऑटोमेटिकली सब आपको क्लियर हो जाएगा। अभी हो सकता है कि इसमें ये एन आर के आर और ये सब देख के घबराहट होती कि यार ये सब क्या है यार, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी हम क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन लिखेंगे, ऑटोमेटिकली आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे हमारे पास एट ऑब्जेक्ट हैं, हमने इसको थ्री में ब्रेक कर दिया, एक ये थ्री लिया, एक ये थ्री लिया और एक ये टू लिया। अब बताओ नंबर ऑफ वेज क्या होंगे डिवीजन के, नंबर ऑफ वेज जो डिवीजन के हैं वो क्या होंगे, अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो क्या होंगे। तो मैंने बोला कि जो जितने ऑब्जेक्ट है पहले उससे हम ऊपर लिख देते हैं, जितनी बार जो आया है उसको लिखना पड़ता है। अभी हमने क्या किया था, जितनी बार जो आया था उसको लिखना पड़ता था, तो थ्री फैक्टोरियल एक बार, थ्री फैक्टोरियल एक बार और टू फैक्टोरियल एक बार, और जो रिपीट हो रहा है जैसे यहाँ पर क्या है, दो बार आ रहा है तो उसके भी फैक्टोरियल से हमको डिवाइड करना है। तो ये वही लिखा हुआ है कि एट फैक्टोरियल, थ्री फैक्टोरियल दो बार आया था तो पावर टू हो गई, और इंटू एक बाय टू फैक्टोरियल आया है, और जितनी बार भी ये रिपीट हो रहे हैं उनके फैक्टोरियल से हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना पड़ा है, जो ये टू फैक्टोरियल आया है ये इसी की वजह से आया है, जितनी भी पावर में आएगा वो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा। अब बात समझ में आ गई होगी कि जितनी बार भी रिपीट होगा उनके फैक्टोरियल से हम डिवाइड करेंगे। चलो एक और देखते हैं क्वेश्चन, जैसे हमारे पास सपोज कर लेते हैं हमारे पास टोटल जो है वो 30 ऑब्जेक्ट है, ठीक है, 30 ऑब्जेक्ट है इस तरीके से, और उनको हमने डिवाइड करना है, टू 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 करके 5 टाइम्स ले लेते हैं तो टोटल हो गए 10, 10 इधर आ गया, एक थ्री ले लेते हैं 13 हो गया, एक फाइव, फाइव के दो ले लेते हैं, चलो तो 5 10, 10 2 3 13, और ये कितना हो गया 23, तो एक बचा 7। इस तरीके से हमको डिवाइड करना है। तो अब बता दो नंबर ऑफ वेज क्या होंगे, तो नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे, पहले टोटल, टोटल है 30 फैक्टोरियल, कितनी बार जो रिपीट हुआ है उसके फैक्टोरियल की पावर उतनी करनी है, तो 2 3 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल दो बार आया है और इनटू में 7 फैक्टोरियल आया है, और जितने भी फैक्टोरियल की पावर में आए हैं जितनी बार जो वो रिपीट हुआ है उसके फैक्टोरियल से भी हमको डिवाइड करना पड़ेगा। इस बात का ध्यान रखना है क्योंकि ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जब सेम टाइप के होते हैं तो उनके फैक्टोरियल से हम डिवाइड कर देते हैं। अगर आपको याद हो तो एन फैक्टोरियल अपॉन पी फैक्टोरियल, क्यू फैक्टोरियल, आर फैक्टोरियल से हम उसको डिवाइड कर देते थे, तो वही सेम काम किया गया, कुछ भी नया काम नहीं है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब एक क्वेश्चन लेते हैं, जेई का पूछा गया था कभी पहले, 2012 का क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। ये ध्यान रखेंगे, ये हमने अभी जो बात की है वो डिवीजन की, डिस्ट्रीब्यूशन की बात करोगे, जितने पार्ट में डिवाइड किया उतने फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर लोगे, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो लिखते हैं, क्वेश्चन है हमारा जेई 2012 का क्वेश्चन है, और ये बाद में भी रिपीट हुआ, अभी भी आया है ये, कुछ 2017-18 में भी आया है ये, क्योंकि मेंस में तो रिपीट होता ही होता है। इन हाउ मैनी डिफरेंट वेज कैन फाइव बुक इन हाउ मैनी डिफरेंट वेज कैन फाइव बुक्स
बी डिस्ट्रीब्यूटेड, फाइव बुक्स बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग थ्री पर्सन, अमंग थ्री पर्सन सो दैट ईच पर्सन रिसीव, सो दैट ईच पर्सन रिसीव एट लीस्ट वन बुक, एट लीस्ट वन बुक। तो सोचो जरा, इसको अगर मैं डिवाइड करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, फाइव बुक को थ्री पर्सन में करना है, और कम से कम एक एक तो मिलनी चाहिए, मतलब कोई खाली हाथ नहीं रहना चाहिए। तो सबसे पहले एक एक तो सबको दे ही सकते हैं, हर एक पर्सन को एक एक तो मिलनी चाहिए। तो कितने केसेस इसके बन सकते हैं ये कौन बताएगा, कि थ्री पर्सन में हमको पांच बुक बांटनी है, थ्री पर्सन है हमारे पास, तो कितनी कितनी देनी चाहिए, और कम से कम कोई खाली हाथ नहीं होना चाहिए कि मतलब एक को तीन दे दिया, दूसरे को दो दे दिया तो फाइव हो गई, तीसरा वाला बेचारा खाली रह गया। तो ये काम नहीं करना है, कम से कम एक तो देनी ही देनी है। तो एक 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 तो सबके पास होनी चाहिए, बाकी कितनी कितनी किसको हो सकती है वो सोचना है हमारा काम। तो इसके कितने केसेस बन सकते हैं ये सोचो जरा, बताओ कितने ग्रुप बनेंगे। ये P1 पर्सन है, ये P2 पर्सन है, और ये P3 पर्सन है। क्या हम ऐसे दे सकते हैं क्या, कि पहले वाले को वन दे दो, दूसरे वाले को वन दे दो, और तीसरे वाले को थ्री दे दो, तो हो गया फाइव, वन वन और थ्री, ऐसा भी हो सकता है। और कौन, फाइव को ही तो बांटना है, कितना बड़ा काम है, फाइव को ही बांटना है हमको। एक को वन दे दिया, दूसरे को टू दे दिया, तीसरे को थ्री दे दिया, ये हो सकता है। अब कोई कह दे भाई ये वाला भी ले लो, कि एक को थ्री दे दो, एक को वन दे दो, एक को वन दे दो, तो ये नहीं लोगे, क्योंकि ये तो रिपीट हो जाएगा ना, वन वन थ्री बोलो या थ्री वन वन बोलो, बात एक ही है। ये ग्रुप में हम बांट रहे हैं, तो ग्रुप सेम ग्रुप हमें नहीं लेने हैं, कि हमारा जो हम डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला लगाएंगे वो थ्री वन वन का हो या वन वन थ्री का हो, दोनों सेम ही है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि रिपीट नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब ये बेकार हो गया, कोई कह दे इसको टू दे दो, इसको वन दे दो, और इसको थ्री दे दो, तो ये भी नहीं लेंगे हम। तो हमारे पास कितने बनने वाले हैं, जो और कोई बनेगा क्या, कि जिसमें जीरो टू और थ्री ले लें, तो जीरो तो लेना ही नहीं है। अच्छा यहाँ पे टू और थ्री ले लिया, यहाँ पे थ्री नहीं ले सकते, क्योंकि टोटल तो हमें फाइव ही लेना है ना भाई, तो यहाँ पर हमें टू ही लेना पड़ेगा, टू टू फोर और वन फाइव। बोलो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या, और क्या केस बनेंगे, और जो भी केस बनेंगे वो रिपीटिशन वाले बनेंगे, वो हमें नहीं चाहिए। ये बात का ध्यान रखेंगे कि हमें डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप बनाने हैं, ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो सेम टाइप के हों। जैसे वन वन थ्री है तो थ्री वन वन या वन थ्री वन, ये बेकार है हमारे लिए, एक बन गया तो वो दोनों बेकार है, इसमें इस बात का और ध्यान रखना है हमको। तो इसमें सिर्फ दो ही केस बनने वाले हैं, एक ये बनेगा और एक ये बनेगा। तो आप जरा बताओ, पहले वाले को जब करोगे, इस फर्स्ट वाले को जब करोगे, वन वन और थ्री वाले को, पहला ग्रुप हमारा क्या बना है, इसको यहाँ लिख लेते हैं। ये हमारा जो है वो ग्रुप वन बना हुआ है, ग्रुप वन, और ये जो दूसरा बना है ये ग्रुप टू बना हुआ है। तो अब जरा देखते हैं, वन वन और थ्री को और वन टू टू को हमें कट करना है। तो वन वन और थ्री वाला एक ये है, और प्लस दूसरा वाला कौन सा है, वन टू और टू है, और फिर इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा। तो वन 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 थ्री वाले को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ वेज निकालते हैं, और वो भी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए निकाल रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन, इस बात का ध्यान रखेंगे, मतलब उतने फैक्टोरियल से तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। तो क्या बन जाएगा, फाइव फैक्टोरियल, टोटल फाइव है, टोटल फाइव फैक्टोरियल अपॉन कितना हो जाएगा, वन फैक्टोरियल, वन फैक्टोरियल, थ्री फैक्टोरियल, ये बन गया। अच्छा यहाँ पर वन जो है वो दो बार आया, तो क्या मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ, कि मैं यहाँ पर लिख दूँ वन फैक्टोरियल का होल स्क्वायर सीधे ही, तो ये हो गया वन फैक्टोरियल का होल स्क्वायर,
और इनटू में 3 फैक्टोरियल, और जितने के फैक्टोरियल से पावर में आ रहा उतने के फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये 2 फैक्टोरियल। और डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए हमें किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 फैक्टोरियल का। ये क्यों किया, बिकॉज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि 3 लोगों में बांटना था। तो ये हमारा हो गया, ये ग्रुप बन गया, नंबर ऑफ डिवीजन बन गया, और उसमें 3 फैक्टोरियल का क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 3 पर्सन में इसको डिस्ट्रीब्यूट करना था। दूसरे वाले में क्या बनेगा, नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इसके लिए, तो वो बन जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर इंटू 1 फैक्टोरियल, और जितने के फैक्टोरियल की पावर में है उससे डिवाइड कर देंगे, और उसमें भी 3 फैक्टोरियल का मल्टीप्लाई करेंगे। ये भी हमको पता होना चाहिए कि 3 फैक्टोरियल का मल्टीप्लाई क्यों किया है, क्योंकि हमें 3 पर्सन में डिस्ट्रीब्यूट करना है। जब भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो उसमें जितने पर्सन होंगे उनके फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब हमारा आंसर इसको सॉल्व कर लेते हैं कितना आएगा। तो देखो ये 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल कट हो गया, 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, तो ये 120/260 हो गया, और ये 3 फैक्टोरियल है, तो 3 और ये 2 2 4 2 8, और यहाँ पर 120 है, तो 120 × 3 फैक्टोरियल 3 हो गया, 1 2 फैक्टोरियल कट हो जाएगा, 4 3 12, 3 3 ये 90 हो गया। तो टोटल टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ये कितना बन जाएगा हमारा, 60 + 90 = 150। कम से कम 2 बार ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, ध्यान रखेंगे खास इसका, किस तरीके से हम इसको डिवाइड करते हैं और किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, दोनों का आइडिया हमें बहुत अच्छे से होना चाहिए। एक और लिख लेते हैं, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, इन हाउ मैनी डिफरेंट वेज, इन हाउ मैनी डिफरेंट वेज, इन हाउ मैनी डिफरेंट वेज कैन फाइव बुक बी पैक्ड इंटू 3 बंडल्स। तो अब इसको जरा सोचो कि यहाँ पर भी मैंने बार बार ये बोला है कि जो ग्रुप बनेंगे, ये जो ग्रुप बन रहे हैं ये आइडेंटिकल ग्रुप हमको नहीं लेने हैं। तो यहाँ पर भी वही सेम क्वेश्चन है, 3 बंडल में, वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करना था 3 पर्सन में, यहाँ पर सिर्फ 3 बंडल में डिवाइड करना है। क्वेश्चन लैंग्वेज समझ में आ रहा होगा कि सिर्फ 3 बंडल में ही इसको रख देना है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। तो क्या इसमें 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई होगा, नहीं। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो यहीं पर सॉल्व हो चुका है, बस हमें 3 फैक्टोरियल से यानी कि 6 से मल्टीप्लाई नहीं करना है। तो यहाँ पर 60 दिया था, 6 से नहीं होगा तो 10 आ जाएगा, और यहाँ पर 90 दिया था, 6 से नहीं होगा तो 15 आ जाएगा। बात समझ में आ रही होगी, हमें 5 बुक को डिस्ट्रीब्यूट करना था, तो 1 1 और 3 करके हो जाएगा, या फिर 1 2 2 करके हो जाएगा, और दोनों को हम प्लस कर देंगे, तो नंबर ऑफ वेज 5 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर इंटू 3 फैक्टोरियल, और जितने फैक्टोरियल पावर में होता है उससे हम डिवाइड कर देते हैं उसके फैक्टोरियल से। इसमें 3 फैक्टोरियल का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ये डिवीज़न नहीं हो, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा, तो इसलिए यहाँ 1 कर दिया मैंने याद रखने के लिए। और यहाँ क्या हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर और अपॉन में 2 फैक्टोरियल। तो ये आया था अभी हमारा 10, और ये आएगा 15, क्योंकि सब में 3 फैक्टोरियल यानी कि 9 6 का मल्टीप्लाई था। तो टोटल क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज 10 + 15 यानी कि कितना हो जाएगा, 25। ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, 10 + 25। एक और क्वेश्चन लिखते हैं फिर इसका, और इसको भी समझते हैं कि क्या करेंगे। इन हाउ मैनी डिफरेंट वेज, हाँ जी बताइए सर, तो इस क्वेश्चन में हम डिस्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाय एन फैक्टोरियल नहीं कर सकते।
मतलब इसमें 25 में n फैक्टोरियल से डिवाइड कर, नहीं नहीं वहां वो के आगे फॉर्मूला फॉर्मूला था था ना ना डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल इक्वल टू टू डिवीजन डिवीजन इनटू इनटू एन एन फैक्टोरियल। फैक्टोरियल। हाँ कर सकते हैं, अलग अलग सर सब वो किया किया तो तो आ, आना। नहीं नहीं अलग अलग सब में करना पड़ेगा ना, तुमने पहले टोटल करके फिर डिवाइड किया होगा, हाँ सर अलग अलग करना पड़ेगा ना दोनों को, पहले अलग अलग निकालना पड़ेगा फिर डिवाइड करना पड़ेगा दोनों को, अलग मतलब अलग पहले करके। 60 से फिर हाँ 50। तुमने क्या किया, दोनों को प्लस करके डिवाइड कर दिया, वो गड़बड़ हो गई। हाँ हाँ 150। हाँ ओके ओके सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और लिखते हैं क्वेश्चन। इन हाउ मैनी डिफरेंट वेज कैन एक मिनट, इन हाउ मैनी डिफरेंट वेज कैन, इन हाउ मैनी डिफरेंट वेज टू गारलैंड ऑफ सिक्स फ्लावर्स। अब यहाँ पे गारलैंड का जो केस है वो रिपीट होगा, उसके बारे में हमको याद होगा, हमने जो बात की थी गारलैंड्स के लिए और जो बीड्स ऑफ नेकलेस के लिए, वो यहाँ पर रिपीट हो जाएगा। गारलैंड ऑफ सिक्स फ्लावर, गारलैंड ऑफ सिक्स फ्लावर ईच कैन बी मेड फ्रॉम 12 डिफरेंट फ्लावर। इन हाउ मैनी डिफरेंट वेज टू गारलैंड ऑफ सिक्स फ्लावर्स ईच कैन बी मेड फ्रॉम 12 डिफरेंट फ्लावर। 12 डिफरेंट फ्लावर हैं, उसमें से सिक्स सिक्स करके दो में फ्लावर में गारलैंड को डिस्ट्रीब्यूट करना है, और उसके बाद फिर तुम्हें सोचना है कि हम क्या मल्टीप्लाई करें क्या डिवाइड करें। ये डिवीज़न का केस है कि डिस्ट्रीब्यूशन का है, कभी कभी वो कुछ नहीं देते हैं तो हमें समझना पड़ेगा। तो 12 हमारे पास फ्लावर थे, उसमें से सिक्स फ्लावर और सिक्स फ्लावर के दो गारलैंड में हमने इसको डिवाइड किया। अब उसके बाद यहाँ पर ज़रा ध्यान देना कि इन हाउ मैनी वेज टू गारलैंड ऑफ सिक्स फ्लावर्स ईच कैन बी मेड फ्रॉम 12 डिफरेंट फ्लावर्स। इसको कैसे करेंगे डिस्ट्रीब्यूट, तो वो देखते हैं यहाँ पे। तो ये पहले वाले की जब बात करोगे तो टोटल क्या हो जाएगा, 12 फैक्टोरियल अपॉन सिक्स फैक्टोरियल, दो बार है तो उसका स्क्वायर हो गया क्योंकि दो में डिवाइड किया, और जितने फैक्टोरियल पावर में, अच्छा ये हो गया उसके डिवाइड कर दिया, जितने भी पावर में था उससे हमने डिवाइड कर दिया, ये तो हो गया डिवीज़न। और उसके बाद फिर क्या करेंगे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, क्या करें यहाँ पर ये सोचना है तुम्हें, तुम बताओ क्या करना चाहिए, क्योंकि ये फ्लावर्स का केस है तो क्या हम फाइव या सिक्स किससे डिवाइड कर दें किससे मल्टीप्लाई कर दें। सिक्स फ्लावर्स हैं, सिक्स सिक्स फ्लावर्स में इसको हमें डिवाइड करना है। तो गारलैंड के केस में याद होगा कि अगर हम सर्कल की बात करते थे तो उसका होता था एन फैक्टोरियल, लेकिन जब बात गारलैंड की होती थी तो एन माइनस वन का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई टू हो जाता था। सॉरी ये एन फैक्टोरियल लिख दिया यहाँ पे, अगर सर्कल का केस होता था तो एन नहीं होता था, एन माइनस वन फैक्टोरियल, ठीक है ना, ये सर्कल में जब अरेंज करते थे। और जब इसमें कर रहे हैं तो एन माइनस वन का फैक्टोरियल अपॉन टू, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिक्स माइनस वन का फैक्टोरियल
सिक्स माइनस वन का फैक्टोरियल अपॉन टू और सिक्स माइनस वन का फैक्टोरियल दूसरे वाले के लिए अपॉन टू, तो ये फाइनल रिजल्ट हमारा आएगा 12 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 2, ये फाइनल रिजल्ट हमारा आएगा। एक और लिख लेते हैं, इन हाउ मैनी वेज कैन 6 प्राइजेस बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग 3 पर्सन, इक्वली अमंग थ्री पर्सन। और ऑप्शन हमारे पास गिवन है, ए ऑप्शन में गिवन है 6C2 × 4C2, बी ऑप्शन में गिवन है 6P2 × 4P2, सी ऑप्शन में गिवन है 3 और डी ऑप्शन में 3 to the power 6। ये हमारा क्वेश्चन है। अब आप इसमें बताएं, इसको नहीं बताने वाला हूँ मैं, आप इसमें सोचें और आंसर सही बताएं कौन सा होगा। 3 6 प्राइजेस हैं, डिस्ट्रीब्यूट करना इक्वली अमंग 3 पर्सन में डिस्ट्रीब्यूट करना है। आंसर 3 आ रहा है। ओके चलिए मैं बताता हूँ इसको कैसे करेंगे। यहाँ पर कंफ्यूजन हो रहा है, ये वो वाले केसेस नहीं है इसमें हम फिक्स की पावर नो फिक्स या उस टाइप का काम करते थे। हम यहाँ पर देखते हैं कैसे करेंगे। 6 प्राइज है हमारे पास, उसको हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है 3 पर्सन में। ये लिखा है ना इक्वली अमंग 3 पर्सन, इक्वली अमंग 3 पर्सन, और 3 पर्सन में डिस्ट्रीब्यूट करना है हमको। तो कितने कितने मिलेंगे सबको, तो 6 है तो 2 इसको देना पड़ेगा, 2 इसको देना पड़ेगा, 2 इसको देना पड़ेगा, यही तो होगा ना। और उसने बोला हाउ मैनी वेज कैन 6 प्राइजेस बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 3 पर्सन, तो और यहाँ पर क्या बोला है कि डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो डिस्ट्रीब्यूट करना है तो समझ में आता है कि हमें 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो लिख लेते हैं यहाँ पर क्या होगा, देखते हैं। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहले तो टोटल का फैक्टोरियल अपॉन जितने आए हैं उनका फैक्टोरियल, और कितनी बार आए हैं 3 टाइम्स, और जितनी बार रिपीट होते हैं उनके फैक्टोरियल से डिवाइड कर देते हैं। तो ये जो 3 आया है उसके फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया, साथ में किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितने पर्सन में बांटा है तो 3 में, तो 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो ये 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट हो गया, तो आंसर हो गया 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल का होल क्यूब। अब इसमें से आप सॉल्व करके देख लीजिए कि कौन सा ऑप्शन आ रहा है। तो 6 फैक्टोरियल कितना हो गया, 6 फैक्टोरियल होता है 720 अपॉन 2 × 2 × 2, इसको सॉल्व करो कितना आएगा, 90 आ रहा है। कोई ऑप्शन 90 वाला, देखो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। पहला जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है 6C2, तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल,
इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो ये कट हो गया। तो ये देखो सीधे सीधे यही बन रहा है, सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, तो ये हमारा जो ए ऑप्शन है वही हमारा करेक्ट हो गया। तो ज़रूरी नहीं कि हमें देखने में उसी टाइप का आंसर दिया जाए, हमें सॉल्व भी करना पड़ सकता है। बताइए इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? हो गया समझ में आ रही बात यहाँ तक? ओके तो एक होमवर्क इसका लिख लेते हैं। इन हाउ मैनी वेज 8 डिफरेंट बॉल, इन हाउ मैनी वेज 8 डिफरेंट बॉल्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड among 3 children so that one child get 4 balls, and 2 children get 2 balls each. इसके ऑप्शन भी लिख लेते हैं। ए ऑप्शन में गिवन है 210, बी में गिवन है 240, सी में गिवन है 420 और डी ऑप्शन में गिवन है 1260। आंसर भी इसका बता देता हूँ मैं, डी ऑप्शन होगा इसका आंसर। ठीक है बच्चों, तो इसको आप सॉल्व करेंगे, एक बार दिमाग लगाएंगे कि हमें 8 को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें, 1 को 4 देना है, बाकी दोनों को 2-2 देना है और उसके बाद सॉल्व करना है। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले टर्न पे। ओके।